देश में लॉकडाउन की शुरुआत होते ही प्रशासन और समाज सेवी संगठनों ने लगातार समाज के जरूरतमंद लोगों की हर प्रकार की जरूरत मुहैया कराने का मानव प्रण लिया हो, लेकिन इस लॉकडाउन में मूक पशुओं को भोजन पानी देने वाला कोई कहीं नहीं है। करेली के समाज सेवी मिलकर एक मुहिम चलाई जिसके बाद नाम अक्षय पात्र रखा और अक्षय पात्र की मुहिम लोगों को इतनी पसंद आई कि लोगों ने इसका सहयोग करना शुरू किया। इतना तक हुआ कि इसके माध्यम से जरूरतमंद लोगों को खाना भी मुहैया होने लगा और इस अक्षय पात्र से मूक पशुओं को भोजन और पानी के लिए स्थान सुनिश्चित कर वहां पात्रों को रखा गया और रोज उसमें भूसा और पानी की व्यवस्था की जाती। हमने देखा है काफी जगह पर इन लोगों की काफी अच्छी मुहिम चल रही है, जो अपने क्या बोलते हैं अक्षय पात्र के थ्रू इन लोगों को कऊ को यहाँ या वहाँ अव्यवस्थित रहते थे, जो पानी पीने के लिए पानी नहीं मिलता था, तो इन लोगों ने काफ़ी व्यवस्थाएं की हैं और काफ़ी अच्छी मुहिम है और लोगों को इन लोगों से कुछ सीख लेना चाहिए और सीखना चाहिए। और ऐसी लॉकडाउन जैसी स्थिति में अभी ये लोग काफ़ी अच्छी मुहिम है, लोगों को जागरूक होना चाहिए, आगे बढ़ के काम करना चाहिए, आगे आना चाहिए। किस चीज़ के लिए जागरूक? ये क्या है, ये पशु जो रहते हैं इधर उधर घूम रहे हैं, लॉकडाउन की स्थिति है, लोग घर के बाहर हैं, अंदर हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, है ना, उस स्थिति में ये इधर उधर भटक रहे हैं, ना खाने की व्यवस्था है, ना पीने को पानी है, तो इन लोगों ने काफ़ी अच्छा प्रयास किया है और काफ़ी अच्छी मुहिम है, लोगों को आगे आना चाहिए और ये सब सीख लेना चाहिए इन लोगों। इसमें जब से लॉकडाउन की स्थिति निर्मित हुई है तब से हमने अक्षय पात्र का एक अभियान चालू किया है। अक्षय पात्र की जल सेवा निरंतर हमारे द्वारा मूक पशुओं के लिए जल पात्र रखे जा रहे हैं, सीमेंट से बने बड़े बड़े जल पात्र रखे जा रहे हैं शहर में चिन्हित करके, जहां मूक पशु इकट्ठे होते हैं हमारे द्वारा वहां जल पात्र रखे गए हैं। जल पात्र के साथ ही मूक पशुओं के लिए भूसा एवं चारा की व्यवस्था की गई है। मूक पशु अपनी संवेदनाएँ तो व्यक्त नहीं कर पाते हैं, इस कारण उनकी व्यवस्था के लिए हम लोगों ने सुबह व शाम दोनों टाइम चारा और भूसा की व्यवस्था की है। साथ ही लॉकडाउन के चलते हमने गरीब बस्तियों में अनाज का वितरण, राशन का वितरण किया है और देखा है कि ज़रूरतमंदों के पास कहीं मास्क नहीं है तो कहीं सैनिटाइज़र नहीं है। हमारे अक्षय पात्र के माध्यम से हमने मास्क भी वितरण किए हैं और उन तक सैनिटाइज़र भी उपलब्ध कराया है। शहर में लगभग 40वां दिन है लॉकडाउन का और ये दूसरा चरण था जब हम लोगों ने यहाँ पर जल पात्र रखे हुए हैं और निश्चित ही हम जहाँ गरीब बस्तियों में देखते हैं कि ज़रूरत है हम वहाँ तक सामग्री उपलब्ध कराते हैं, चाहे वह राशन हो, चाहे वह अनाज हो, चाहे वह किराने का सामान हो। करेली से मनोज विश्वकर्मा की रिपोर्ट।